नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शुक्ला है। मैं कानपुर से हूँ। दिसंबर 2023 में हुई नेट परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की। इससे पहले एमपीटेट की परीक्षा भी मैंने उत्तीर्ण की है। ये दोनों ही परीक्षाएं कैसे उत्तीर्ण की, कैसे सफलता मिली मुझे, ये पूरी डिटेल मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। मैं एक अध्यापिका हूँ प्राइवेट स्कूल में। मेरी बेटी है 4 साल की, और साथ ही साथ घर की भी जिम्मेदारियाँ हैं। ये सब चीज़ें, इन सभी चीज़ों को लेते हुए मैंने ये परीक्षा कैसे उत्तीर्ण की। तो पहले मैंने सेल्फ स्टडी कुछ दिनों तक की, फिर मैंने यूट्यूब में मिस्टर योगेश जांगिड जी सर का एक वीडियो देखा। जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने उसमें एक चीज़ देखी कि बाकी सारे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब्स में हैं, पर सभी फोकस करते हैं बहुत सारा कंटेंट देने में, जैसे कि बहुत सारे MCQs, 1000 MCQs, बहुत सारा कंटेंट, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कोई नहीं करता कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है। मतलब जो बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होता है, जो ये क्यूरियोसिटी है वो कोई शांत नहीं कर पाया। तो पर सर हर क्वेश्चन को बहुत ही अलग अंदाज से, बच्चों को घुमा फिरा के हर क्वेश्चन को पूछना, कहाँ कहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, वो सब देख के बहुत ही एनालिटिकल वे में सर का पढ़ाना मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने सर की लाइव क्लासेस, जो सर संगीत शास्त्र केंद्र में पढ़ाते हैं, वो क्लासेस लेना शुरू किया। मुझे हर टॉपिक बहुत बारीकी से समझ में आने लगा। चूँकि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं घर की, बाहर की, तो जब मुझे टाइम नहीं होता तो मैं लीड लगा के और उनका लेसन सुनती कई कई बार। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नेट की, मैं उनको यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा कंटेंट कलेक्ट ना करें, जो भी जितना भी उनके पास है उसको बार बार रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि रिवीजन से ही आपकी पकड़ सब्जेक्ट पे मजबूत होती है। बहुत कुछ जान लेने से नहीं होगा, बहुत कुछ दिमाग में रखने से होगा। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रही UGC नेट के लिए, और इसी तरह से MPTET की परीक्षा के लिए भी मेरी यही सेम स्ट्रैटेजी थी। और इन दोनों ही परीक्षाओं को पास करने में योगेश सर का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनके लिए मैं आभारी हूँ सर की। और जो भी लोग सर से जुड़े हैं, और सर भी सभी सफलता की ऊंचाइयों को चूमे और सभी इसी तरह से ज्ञान अर्जित करते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही आकांक्षा है मेरी। धन्यवाद।